जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले हिचकियों में। गाइज, मैंने रिसेंटली आप सबसे पूछा था किस विस्की का आप रिव्यू देखना चाहेंगे। मैंने आपको काफ़ी अच्छी ऑप्शंस दी थी। मैंने आपको बोला था मैकलन, मैंने आपसे पूछा था क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लैटिनम लेबल गो मैकलन, जैक डैनियल, रेड वाइन, आप किस चीज़ की अनबॉक्सिंग देखना चाहेंगे, और आप सब ने चुना है जैक डैनियल। Jack Daniels is something which obviously is from America. जब मैं इस विस्की के बारे में सोचता हूँ, इस टेनेसी के बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कोई cowboy है, you know, some guy in cowboy boots is entering, you know, a deserted spot. He goes to a bar and he asks for a whiskey and the guy just pours him this whiskey. कुछ information about this whiskey. ये बॉटल काफ़ी पुरानी है, इतनी बॉटल पुरानी है कि इसका कलर भी अजीब सा हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक ये बॉटलें बड़ी बड़ी ख़राब होती है। सो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे हम। अब ये कितनी ओल्ड है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 liter bottle, दिस इज़ 1 liter bottle 2,200 rupees, सो यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड इट इज़। अब मैं जैक डैनियल्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जो काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी विस्की, अपनी लिकर की जर्नी जैक डैनियल्स से ही शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2-3-4 साल मैं बहुत ज़्यादा पीता था जैक डैनियल्स, बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है एक रात में 3 या 4, लेकिन मैं कभी उस वक्त अल्कोहल ख़रीदता नहीं था। यूजली आई वुड गो टू अ बार, लेट्स से न्यूयॉर्क, एंड आई वुड आस्क देम टू गेट मी जैक डैनियल्स विद कोक एंड वाटर। सो This is your Jack Daniels. Finally, ये अनबॉक्स हो गई है। ओह, मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट जैक डैनियल्स इज इट्स स्मेल। अगर हम पंजेंट, ब्रूटल, रॉ स्मेल्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से जैक डैनियल्स की जो स्मेल है वो सबका बाप है स्मेल के मामले में। शिव्स का भी बाप है कहीं ना कहीं। अभी हम स्मेल की बात कर रहे हैं, ना कि टेस्ट की। बट सीरियसली, जो बारूद की तरह इसकी स्मेल है, मेरा दिल कर रहा है एक्सेप्ट ले लूं। बॉटल मेरी है तो मैं ले लेता हूं। वाओ, सॉरी, स्पेस खत्म हो गई थी तो मैंने इसका जैसे एक सिप लिया, अभी मेरी मेमोरी स्टिक की स्पेस खत्म हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गाड़ी हूं जिसमें किसी ने पेट्रोल डाल दिया है बड़े दिनों बाद, क्योंकि ये इसका फ्यूम ही ऐसा है, इसका अंदाज ही ऐसा है। कानों से आपके, मेरे कान गर्म हो गए हैं, एंड सीरियसली मतलब मज़ा आ गया यार। तो जिस चीज़ से मज़ा आता है, मैं कह रहा था जिस चीज़ से मज़ा आता है वो और करनी चाहिए, तो हम इसको और पियेंगे। लेकिन क्यों ना एक और घूट ऐसी पिए। वाओ, वाओ, 2005 में, 2006 में मैंने पहली बार जैक डैनियल्स पी थी, और उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था किसी भी विस्की के बारे में, लेकिन जो नाम था इसका जैक डैनियल्स, इट मेड मी एन इमीडिएट फैन ऑफ इट जस्ट फॉर द नेम सेक। एंड देन व्हेन आई फाइनली हैड इट, आई रियलाइज किया ये काफ़ी काफ़ी पंजेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बोल्ड माचो है ये, एंड दैट्स वाई आई बिकेम अ फैन। सो ऑनेस्टली, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, मैं विस्की के रिव्यूज़ करता हूँ, प्रणाम, और ये है आपकी जैक डैनियल्स। बहुत ही जल्द मेरे 4,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा बड़ी उम्मीदें रखता हूँ और आप लोगों से भी। लेकिन फिर भी, अगर हम हर चीज़ को जश्न से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम शराबी नहीं होंगे, और आपका नहीं पता, आप तो एक नंबर का शराबी हो, बिल्कुल विदाउट एनी अपॉलॉजी, कोई बकवास नहीं। आई लव ड्रिंकिंग, एंड यस, देर आर टाइम्स वेयर आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, बट वो मोहब्बत ही कहा वो क्या जिसमें कुछ नफरत ना हो। ये मेरा न्यू ग्लास है,
इसको मैंने अभी तक नेम नहीं दिया है, लेकिन आज मैं इसको नेम दे रहा हूं बिजली। देखिए आजकल इंसान तो ज्यादा नहीं है आसपास, तो अपनी इंसान अपने चीजों के ही नाम रख लेता है। ये मेरा नया ग्लास है, अभी फिलहाल इसका पायलट नेम है बिजली, वर्किंग टाइटल नेम है बिजली। ओके, बाद में हम नाम बदल भी सकते हैं इसका, पर आई लाइक बिजली। ओके, तो चार क्यूब डाल दिए हैं और पहला जो ड्रिंक होगा सरप्राइज फॉर यू गाइस। आप देख रहे हैं किस किस तमीज के साथ ये फ्लो हुआ है इस ग्लास में। अभी हाल ही में मेरे पास एक और बॉटल थी, लेकिन वो मैंने किसी को दे दी क्योंकि किसी को ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं नई बॉटल खोल रहा हूँ, अच्छी बात है। और दोनों के कलर में मुझे पता नहीं क्यों फ़र्क लग रहा है, शायद ये बॉटल बड़ी बड़ी कलर थोड़ा फेड हो गया है, 100% हो सकता है ये, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी चीज़ अगर बॉटल ऐसी पड़ी रहेगी 3-4 साल किसी कबर्ड में, या 5-6 साल जितने भी साल, तो जाहिर सी बात है कलर थोड़ा बदल जाएगा। अब इसकी प्राइस 2200 यहाँ पे लिखी है, क्या इसका मतलब है अमेरिका में प्राइस बढ़ गई है? नहीं, इसका मतलब है इंडिया में जो डॉलर वर्सेस रुपी की प्राइस है वो बढ़ गई है। अगर यहाँ पे 2200 रुपये लिखा है तो मतलब जब ये बॉटल ली गई थी तब शायद प्राइस इसकी होगी 50 रुपीज़ पर डॉलर, तो ये 44 डॉलर्स की तब होगी। अब भी 44-50 डॉलर्स की मिल जाएगी, एंड लेकिन अब इसका प्राइस आप लगा सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना होता है, 73-75 वट एवर इट इज़। सो यू कैन इमेजिन ये बॉटल 6-7 साल पुरानी है। और हम इसको ड्रिंक को कुछ देर बैठने देंगे क्योंकि हमारा वही अंदाज है, जबकि ये पानी तो इसमें डाला नहीं है, बट मैं पता नहीं मेरे को आज फील आ रही है कि मैं जैक डैनियल्स को बड़ा रॉ रिव्यू करूँ जिसमें कि कोई पानी वानी फिलहाल ना डालूँ। और जब मैंने शुरुआत की थी जैक डैनियल्स को पीना तो मैं क्या करता था, आई यूज टू हैव, सो अ टिप फॉर यू गाइज, इफ़ यू गाइज कैन केयर अ बिट, इफ़ यू एवर गो टू लिव अब्रॉड, इफ़ यू एवर गो टू अमेरिका और सम प्लेस, प्लीज डोंट गो टू द बारटेंडर एंड से वन जैक डैनियल्स विथ कोक प्लीज, डोंट से दैट, डोंट इवन से वन JD एंड कोक प्लीज, व्हाट यू नीड टू से इज आई'd लाइक अ जैक एंड कोक प्लीज, जस्ट अ थिंग आई थॉट आई शेयर विथ यू। बिकॉज जब मैं गया था वहाँ पे आई वॉज इन टू द जैक डैनियल्स लाइफ कम्प्लीटली, एंड लाइक एवरी न्यू बी एल्कोहलिक आई वॉज जस्ट गेटिंग इन टू द वर्ल्ड ऑफ विस्की, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एंड दिस वॉज अमेजिंग, सो अमेजिंग दिस वॉज दैट आई फेल इन लव विथ इट। एंड कोई इतना अजीब अमेजिंग टेस्ट नहीं है जैक डैनियल्स में, बारूद बहुत है, एंड इसका टेस्ट आप ऐसा टेस्ट है जो आपको 3-4 ड्रिंक्स बाद ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज यू इट विल गिव यू आई गेस अ प्रीटी गुड हाई। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सो अनदर थिंग अबाउट जैक डैनियल्स इज दैट इट हैज़ वेरी फ्यू थिंग्स इन कंटेंशन। अब एक बार मैं आई वॉज हैविंग दिस विस्की इन सम बार, एंड यू नो व्हाट, चीयर्स गाइस। नाइस, थोड़ी बॉटल जो थोड़ा टेस्ट है वो थोड़ा फ्लैटन्ड आउट हो गया है, बिल्कुल नई बॉटल जैसा टेस्ट नहीं है इसका, क्योंकि मे बी इन्होंने टेस्ट चेंज किया है या ये पुरानी बॉटल है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा इतना लाजवाब नहीं आ रहा मुझे अभी, सच सच कहूँ तो। बट हाँ, DNA वही है टेस्ट का। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार मैं किसी बार में था, एंड मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, और हम वी वर गोइंग ऑन कॉलिंग फॉर जैक एंड कोक, एंड फिर हमारे साथ एक और कोई एक पार्टी और थी, 3-4 कपल्स थे, एंड उन लोगों ने बोला कि व्हाई यू हैविंग, व्हाट इज दिस यू हैविंग, सो वी सेड वी आर हैविंग जैक एंड कोक, सो द गाय जस्ट लुक्ड एट अस एंड ही सेड डोंट हैव जैक एंड कोक, आई विल मेक यू हैव समथिंग बेटर, सो ही मेड अस हैव समथिंग कॉल्ड मेकर्स मार्क। I know what you're saying, you've tried Maker's Mark, you like it, you hate it, you love it, whatever. But he made us try Maker's Mark, and guess what guys, I'm such a noob,
मैं मेकर्स मार्क का फिर दीवाना बन गया। लेकिन उस वक्त मैं ऐसा अल्कोहलिक था जो एक विस्की की बॉटल को 20-30 दिनों तक निकालता था। अब फॉर्चुनेटली मेरे पास काफ़ी बॉटल्स हैं, तो मेरी वैसी कोई बॉटल, अनलेस कोई बहुत ही अमेजिंग बॉटल हो, जैसे कि ये छुपी हुई टीचर्स, ये टीचर्स हो, तो मतलब मुश्किल से ये 7 दिन रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। बिकॉज होता क्या है कि आई एम सो इन लव विद दीज, आई फॉरगॉट टू टेक माई पिल्स, दिस इज बॉडी स्मार्ट। One moment, please. So yeah, like I was saying, Jack Daniels के बाद मैं introduce हुआ Maker's Mark के साथ, and I really like Maker's Mark. Okay, this is too strong to be taken like this, man. I must be honest. तो मैंने ऑन द रॉक्स लिए, कुछ पानी भी नहीं ऐड किया, खाली ये जेली है, जेली। इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ जैक डैनियल्स के। इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी काफ़ी सारा बारूद लेके आता है अपने साथ, जिस तरीके का बारूद शिवर्स लेके आता है अपने साथ, एंड तभी शिवस वालों को जैक पसंद है और जैक वालों को शिवस पसंद है, क्योंकि दोनों का टेस्ट काफ़ी 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 पेट्रोल जैसा है। पेट्रोल अब हमने टेस्ट नहीं करी, बट नाक मेरा भी है, आपका भी है, आप जी जानते हैं कि जो बारूद होता होगा पेट्रोल में, अगर आप टेस्ट करेंगे वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी अंदाज है। एक सेकेंड प्लीज। बाकी इसको नीट पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ वक्त भी टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पीनी है तो गणपत राव जी, आप लेके आइए डाइट कोक। अब हम इसको 1-2 मिनट बैठने देंगे, बिकॉज दिस इज हाउ आई लाइक माई जैक एंड कोक। आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये देख के परेशानी होगी या अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, हर आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे आई थिंक जैक एंड कोक ज़्यादा पसंद है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं वोडका, जैक वोडका एंड कोक इज़ व्हाट आई लाइक। जब मैं वोडका पीता हूँ, जैक डैनियल्स में हर रोज़ तो पीता नहीं यार, तो एनीवेज गिव मी 2 मिनट्स ऑफ द राइट। Okay, I'm instantly teleported, transported to a different place. जो जेडी का असली अंदाज है वो ऑन द रॉक्स में इतना नहीं आएगा मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने, मुझे जो पसंद है वो है विद सम कोक, सम डाइट कोक, कोको कोला लाइट। It's a very luscious drink. It's a very luscious drink. इसमें layers है, ज़रूर इसमें कुछ बात है Jack Daniel में। मैं ज़्यादा पीता नहीं Jack Daniel वो, इसलिए because मैंने अपने starting of my drinking journey days में इतनी Jack Daniels पी थी, मुझे लगा मैं कहीं ना कहीं overrate करता हूँ इसको। और कई बार होता है ना यार आपका, मैं तो यार बियर की लाइन में निकल गया, फिर बियर से जब मैं गुजरा, फिर मुझे विस्कीज़ के शौक पड़ा, आई स्टार्टेड लाइकिंग शिवर्स एंड टीचर्स। सो जैक डैनियल्स के लिए कोई रूम नहीं था उस जगह, मुझे लगता था यार जैक डैनियल्स आई कॉन्ट हैव विद आइस एंड वाटर, सो वाई हैव इट। एंड पुरिंग कोक, टू बी फेयर इवन नाउ आई फील पुरिंग, हैविंग एनीथिंग विद कोक इट्स अ बिट चीज़ी, इट्स अ बिट नॉट कूल, तो इसलिए मैं जैक डैनियल्स नहीं पसंद करता हूँ डे टू डे लाइफ में पीना। हाँ, आप लोगों ने बोला इसका रिव्यू करने के लिए, समबडी हैप्पीली डूइंग अ रिव्यू, बट क्या मैं इसके 4 ड्रिंक्स ज़्यादा पी सकता हूँ? नहीं रे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
इट्स अ हैवी ड्रिंक, इसमें ज़रूर काफ़ी बारूद है. इसका टेस्ट थोड़ा कैरमलाइज्ड है लेकिन काफ़ी ओवरबेयरिंग एंड पावरफुल है, बहुत बोल्ड टेस्टिंग है. इट स्मेल्स, अगर स्मेल की बात करें तो इट स्मेल्स लाइक सम डर्टी रिवर इन अमेरिका विच हैज सीन अ लॉट ऑफ ब्लडशेड. एंड आप किसी बार को एंटर करेंगे अमेरिका में तो आपको कहीं मोस्ट बार्स में एक्चुअली एक जेडी की फ्यूम आती है, एक स्मेल आती है विच इज़ देयर इन मोस्ट बार्स बिकॉज दिस इज सच अ पॉपुलर ड्रिंक एवरीवेयर देयर. तो एक जेडी की स्मेल आती है कई सारी बार्स में एंड दैट आई कॉन्ट फॉरगेट. कई सारी बार्स में शिविस की भी स्मेल आती है, कई सारी बार्स में शिविस एंड जेडी दोनों की स्मेल आती है. मोस्ट बार्स हाउएवर हैव अ वेरी पंजेंट जेडी स्मेल इन अमेरिका. एंड इसको स्मेल करके मुझे न्यूयॉर्क याद आ गई, ज़रूर आ गई याद, बिकॉज दिस इज़ हाउ न्यूयॉर्क स्मेल्स. एवरी बार इन न्यूयॉर्क दिस इज प्रीटी मच हाउ इट स्मेल्स एंड आई हैव सो मेनी मेमोरीज ऑफ दैट टाइम विच आई स्पेंट इन न्यूयॉर्क. सो दिस इज़ अ स्पेशल ड्रिंक फॉर मी. हाउएवर आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट टू रेकमेंड दिस टू एवरी वन बिकॉज ये सबके लिए नहीं है जैक डैनियल्स. वो इसलिए बिकॉज इसका काफ़ी लेफ्ट फील्ड से आती है. पहली बात, आप इसको आइस एंड वाटर के साथ मिला के पियेंगे तो आपको फील नहीं आएगी, मैंने ट्राई भी नहीं करना. ऑन द रॉक्स ओके फाइन, यू कैन एन्जॉय दिस ऑन द रॉक्स. इट्स क्रिस्प, इट्स वेरी सल्यूटरी, इट्स वेरी मिलिटरी इन इट्स वे, मतलब बड़ी हार्ड कोर स्ट्रिक्ट इसका यू नो बूम है. आप कोक के साथ जरूर ऐड करके पी सकते हैं, काफ़ी दिलचस्प लगेगी आपको. बाकी लेट मी हैव अ ड्रिंक और टू. हाउ मच वुड अ 1 लीटर कॉस्ट टुडे? अबाउट 6,000 रुपीज़. 5,000 to 6,000 रुपीज़ से कम में नहीं मिलेगी आपको 1 लीटर की बॉटल, और 750 मिलीलीटर की बॉटल शायद 3,000 और 4,000 के बीच में मिलेगी आपको. सो यस, गिव मी सम टाइम, लेट मी गेट माय हेड अराउंड दिस थिंग, बिकॉज मैं इस रिव्यू को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा था लेकिन ये किसी और डायरेक्शन में यू टर्न लेके आ रहा है. वो इसलिए बिकॉज ड्रिंक ही ऐसा निराला है डूड. सो गाइज, मेरी अभी ना एक्चुअली यार मुझे किसी का कॉल आया है, वो बंदे दैट गाय लव्स टू टॉक, तो मेरे को आधे घंटा उनसे बात करना पड़ा. बट एनीवेज द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी जैक डैनियल के बारे में बात हुई उनसे और उन्होंने बताया कि जैक डैनियल के साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जैक डैनियल लिया, जो मैं आपके सामने ट्राई करने वाला हूँ. तो जस्ट गोना पुट सम आइस. By the way, I'm still just one large Jack Daniel down technically. तो ये Jack Daniel डाल दी मैंने. Okay. Now I'm gonna put some Diet Coke. Diet Coke डाल दिया. अब टडिंग इसके ऊपर हम डालेंगे some soda. This is just regular soda. ये बिस्लरी का है, आप किसी का भी सोडा डाल सकते हैं. So he said कि try this combination. देखिए कैसा लगता है मुझे. चलो तो ये हम 3 मिनट बैठने देंगे. I'll be right back guys. Okay guys, 5 मिनट हो चुके हैं. Cheers. Wow, this is a delicious drink and I highly recommend it. मैंने 30 ml या 40 ml of Jack Daniels डाला इसमें और उसके बाद मैंने Diet Coke डाला and I put some soda and trust me, this is popping. It's a very popping drink, so I like it. It's almost like a cocktail at this point. Wow, this tastes pretty good. I like it. I don't know if I love Jack Daniels because मैं यार कोई अलग अलग चीज़ों का शौकीन हूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद है.
और ये काफी अलग पोलराइजिंग है जैक डैनियल। जो इसका आफ्टर टेस्ट है दैट्स वेरी गुड, जो इसका फर्स्ट टेस्ट है दैट्स वेरी गुड। इट लीव्स अ वेरी डिफरेंट ब्रेथ ऑन योर ब्रेथ, इट लीव्स अ वेरी डिफरेंट स्मेल ऑन योर ब्रेथ। सो अगर आप इसको स्मेल करेंगे आफ्टर हैविंग इट, एनीबडी कैन टेल यू हैड जैक डैनियल्स लाइक दैट। इट्स वेरी इजी टू टेल। चीयर्स टू दोज ऑफ यू हू हैव सीन द फिल्म हॉलीवुड लैंड, यू विल नो व्हाट आई मीन आई गेस। 18 Brody is all over that. सोडा ने क्या किया है, ड्रिंक को थोड़ा ज्यादा बना दिया है। आई एम विथ यू ड्यू, लाइक आई एम हियर एंड दैट्स गुड मैन। सोडा कैन ऑफ सेव्स द डे ऑन दिस वन, यू नो इट्स अ गुड ड्रिंक। रही बात जैक डैनियल्स की, यार ये मेरा रिव्यू था जैक डैनियल्स के लिए। I give it a 6 to 7 on 10. Maybe, okay, let's give it a 7 on 10. Not a bad drink, but मुझे जैक डैनियल्स ही पता है कब फील आती है, जब मैं 5-6 ड्रिंक किसी और चीज़ के पी चुका हूँ। फिर मैं अगर जैक डैनियल्स के पास आऊँगा विदाउट कोक, इफ आई जस्ट पुट सम ऑन द रॉक्स, इट कैन हिट द स्पॉट। ओवरऑल जैक डैनियल्स, आई एम सॉरी टू से, इट्स नॉट एज ड्यूर एज दे से इट इज। मैं जानता हूँ आप लोगों ने रिव्यू करने को बोला इसको, बट कहीं ना कहीं आई डेंट लव इट। मे बी इट इज़ एन ओल्डर बॉटल, आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज़, बट मैं ये बहानेबाजी बिलीव नहीं करता। मैं जो चीज़ सामने है वो है जो है सो है यार, जिसका टेस्ट है तो है यार। अब कितना टेस्ट बदल जा गया होगा। इससे क्या हुआ है, सोडा से इसकी मिठास कम हो गई है एंड एट द सेम टाइम ये ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक जैसा लग रहा है, विच इज अमेजिंग। इट्स लाइक अ वेरी कड़ाकेदार फाउंटेन जैक एंड कोक कॉम्बिनेशन एंड दैट समथिंग टू बिहोल्ड एंड एंजॉय। सो दिस इज माई रिव्यू फॉर जैक डैनियल्स। लाइक आई सेड, गुड ड्रिंक बट नॉट द बेस्ट ड्रिंक, वर्थ हैविंग इन योर बार बट नॉट समथिंग यू वुड गो टू अ बार इन ऑर्डर। आई विल नेवर एवर गो टू अ बार एंड बी लाइक गेट मी अ जैक डैनियल। आई यूज टू डू दिस बाय द वे, मैं जब नया नया था ड्रिंक्स में, मैं अभी भी करता हूँ एक्चुअली। अगर मैं किसी बार में चले जाऊँगा तो मैं एक ड्रिंक ऑर्डर नहीं करूँगा, मैं 7-8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स ऑर्डर करूँगा, ये देखने के लिए कि मैं कितना मज़ूमदार बन सकता हूँ, कितना मदहोश बन सकता हूँ, कितना घुलमिल लौंडा बन सकता हूँ। समझ रहे मेरी बात, अपना है वो थोड़ा। चलिए, शुक्रिया आप सबका देखने का, और शुक्रिया आप में से जिन लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब को दबाया है और वो बेल आइकन जो कहते हैं ना लोग, उसको भी दबाया है। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं, शुक्रगुजार, व्हाट अ बैड वर्ड। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू गाइज व्हेन आई डू। पीस आउट।